दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल भारत के बिल गेट्स कहे जाने वाले विप्रो लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन अजीम प्रेम जी की, जो आज के समय में भारत के तीसरे और विश्व के 72वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। दोस्तों अजीम प्रेम जी ने अपने पिता की तेल और साबुन बनाने वाली छोटी सी कंपनी को आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया है जिससे करीब 1,81,000 लोगों की रोजी रोटी चलती है। इसके अलावा अजीम प्रेम जी को भारत का सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा देश के लिए दान कर देते हैं। उन्होंने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट भी खोल रखा है, जो भारत में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी बातों का जिक्र मैंने आगे इसी वीडियो में डिटेल में किया है, लेकिन उससे पहले हम अजीम प्रेम जी की लाइफ को शुरू से जानते हैं। अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद हाशिम प्रेम जी था, जो खाने में प्रयोग की जाने वाली तेल और साबुन का बिजनेस करते थे। जिस साल अजीम का जन्म हुआ उसी साल उन्होंने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना की। अजीम प्रेम जी के पैदा होने के सिर्फ 2 सालों के बाद अपना देश आजाद हुआ, लेकिन देश विभाजन की मांग ने आजादी के जश्न को खत्म सा कर दिया। हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। सांप्रदायिक नफरत और हिंसा के बीच बहुत सारे मुस्लिम परिवार अपनी सरजमी छोड़ पाकिस्तान रवाना हो गए। चूंकि अजीम प्रेम जी का परिवार भी एक मुस्लिम कौम से था, इसीलिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता दिया। करीबी रिश्तेदारों ने भी सुझाव दिया कि हिंदुस्तान में गैरों के बीच रहकर क्या करोगे, पाकिस्तान चले आओ, यहाँ अपनी कौम के लोगों के बीच में रहने का मौका मिलेगा। लेकिन हाशिम प्रेम जी ने भारत यानी अपनी सरजमी पर रहने का फैसला किया, जिसके बाद अजीम प्रेम जी ने 12वीं तक की पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से की। 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पिता चाहते थे कि बिजनेस को अच्छी तरह से संभालने के लिए बेटा अमेरिका जाकर पढ़ाई करे, इसीलिए उन्होंने अजीम का एडमिशन अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया, जिसके बाद अजीम प्रेम जी को एक नया माहौल मिला। उन दिनों अमेरिका के लोगों के लिए कंप्यूटर बहुत आम चीज होती जा रही थी, लेकिन भारत में कंप्यूटर का बिल्कुल भी चलन नहीं था। अमेरिका पहुंचकर पहली बार उन्होंने आईटी के महत्व को जाना और फिर सुनहरे भविष्य के सपनों के साथ वह पढ़ाई में जुट गए। लेकिन तभी 1966 में, जब वे सिर्फ 21 साल के थे, अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। जब वे भारत वापस आ गए तब उन्होंने अपने पिता का बिजनेस संभालने का मन बनाया, लेकिन लोगों ने कहा कि विदेश में पढ़ाई की है, तेल साबुन के बिजनेस में मत पड़ो, बेहतर है कि अच्छे खासे सैलरी और अच्छी सुविधाओं वाली नौकरी कर लो। लेकिन इन सभी बातों को अनसुना करते हुए अजीम प्रेम जी ने अपने पिता के कारोबार की कमान थाम ली। आगे चलकर कुछ ही समय बाद जो लोग अजीम प्रेम जी को इस बिजनेस में घुसने के लिए मना कर रहे थे, वही लोग उनके काम करने के अंदाज को देखकर यह कहने लगे कि बेटा तो पिता से भी ज्यादा तरक्की करेगा। अजीम प्रेम जी ने कुकिंग ऑयल और साबुन के अलावा भी कंपनी में बहुत सारे और भी उत्पाद जोड़ दिए, और फिर 1977 में कंपनी का नाम बदलकर विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर दिया। उन दिनों अपना देश आईटी के क्षेत्र में काफी पीछे था, और अमेरिका से पढ़ाई करके आए अजीम प्रेम जी को इस क्षेत्र में एक अच्छा भविष्य नजर आ रहा था, इसीलिए उन्होंने इसी क्षेत्र में कंपनी के विस्तार का फैसला किया, जिसके बाद 1980 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर विप्रो लिमिटेड कर दिया, और फिर उनकी कंपनी अमेरिका के सेंटिनल कंप्यूटर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर मिनी कंप्यूटर बनाने लगी, और फिर देखते ही देखते कारोबार बढ़ता चला गया और विप्रो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। यही कारण था कि 1999 से लेकर 2005 तक अजीम प्रेम जी भारत के सबसे धनी व्यक्ति रहे, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने धन दौलत के साथ साथ सम्मान भी कमाया। अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए वह दुनिया के सबसे अच्छे बॉस तो आम लोगों के लिए सबसे अच्छे इंसान साबित हुए। 2001 में अजीम प्रेम जी ने
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की। इसका मकसद गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना है। यह फाउंडेशन कई राज्यों में सरकार के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। जून 2010 में दुनिया के दो सबसे बड़े दौलतमंद बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने द गिविंग प्लेज अभियान शुरू किया। यह अभियान दुनिया के अमीर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा परोपकार पर खर्च करें। अजीम प्रेमजी इस अभियान में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा साल 2013 में उन्होंने अपनी दौलत का 25% दान में दे दिया। अजीम प्रेमजी का कहना है कि अगर ईश्वर ने हमें दौलत दी है तो हमें दूसरों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।